वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है पावर ऑफ ब्रह्मोस, हाउ सुपरसोनिक मिसाइल क्रिएटेड बिग होल इन इंडियन नेवी अबैंडन्ड शिप। मतलब उन्हें टेस्ट किया होगा और वो जो शिप थी जो यूज नहीं हो रही होगी, ऐसी होगी मतलब फेंकने वेंकने लायक, उसके ऊपर टेस्ट किया होगा और उसने एक पूरा बड़ा गड्ढा बना दिया। तो कमाल की न्यूज है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। होल इन द शिप। दो टुकड़े से विदाउट अगर वॉरेंट होता तो डूब गई, शिप भी डूब गई उस होल से। ये तो फाइटर जेट से कहां कर रही है, तो शिप से पे कर रही है। ये तो वैसे दिखा रही है। अच्छा, ये वो एक्चुअल वाली नहीं है, ये INS चेन्नई से किया होगा ना, वो कह रहे हैं मार्च 5। अच्छा मार्च 5। सबमरीन शिप एयरक्राफ्ट और लैंड प्लेटफॉर्म्स कमाल किया भैया, मजा ही आ गया सुनने में। और मुझे लग रहा था कि वो जो दिखा रहे हैं कि फायर हो रही है, मुझे लगा ओरिजिनल है, पर मुझे शक हो रहा है कि पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं। सैंपल था एक। हाँ, काश ओरिजिनल दिखाएं, कोई पता नहीं अलाउड होता है कि नहीं। मेरे को भी ये लग रहा था कि गवर्नमेंट को खुद जो है, हाँ, कैमरा वैमरा तो गवर्नमेंट के पास है ही, वो तो इसरो ने दिखा दिया कितने कैमरे उनके पास। तो कोई ऐसा दिखाना चाहिए, डेफिनेटली दिखाना चाहिए लोगों को कि यहाँ से हमने फायर की, और जब एटलीस्ट वो दिखा दी जब हिट हो रही थी, हिट हुई तो क्या हुआ। और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से पहले बिना वॉरहेड के होल दिखाया था, फिर मेरे ख्याल से कह रहे थे कि वॉरहेड से भी स्ट्राइक किया था जब वो डूब गया था उसके। नहीं, मेरे हिसाब से उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना उसके किया था और उसकी वजह से ही वो डूब गई। आई सी, वो बात अलग है, बट हमें ये देखना था विद वॉरहेड कितना बड़ा ब्लास्ट, वो तो खत्म ही हो जाएगी, वो तो मेरे ख्याल से पूरी शिप हो जाएगी। हमें मतलब देखना था कि यहाँ से फायर किया और वहां से कैमरा कैच करें, कैमरा कैच करें कैसे, और शिप को भाग पूरा
और उससे लगेगा अरे बाबा क्या बनाई है। मैं तो वही देखने के लिए बैठी थी, मैंने कहा वो दिखाएंगे, जब मैं वेट कर रही थी कि वो शिप दिखाएंगे कितनी तहस नहस हो गए, जब उन्होंने दिखाया मैंने कहा यार ये तो चुटकू सा हो रहा है, मतलब सैंपल सैंपल किसी ने उड़ा दी, वो मिसाइल से इतना से एक्चुअल जो हुआ था वो देखना था, पर वो नहीं था, वो कह रहे थे क्योंकि वॉर हेड नहीं था, पर वो छेद नहीं वो कमाल कर दिया कि शिप जो है वो डूब ही गई। मेरे मैंने तो यही या एजुकेशन पर्पसेस के लिए मेरे ख्याल से ऐसे वीडियो एक्चुअल गवर्नमेंट को ही पूरा करना चाहिए, पता नहीं पर ये है ना कि और दुनिया को रिलीज करके देना चाहिए कि ये पावर है ब्रह्मोस की, डेफिनेटली ये सब दिया होगा जिन जो बायर्स हैं जिन्होंने खरीदनी है उनको दे होगा, उनको तो दिखाई रहे होंगे लाइव ये दिखाई है, मगर पब्लिक को शायद उन्होंने नहीं किया होगा, सब कुछ उन्होंने टेप किया होगा, क्योंकि आपने जब बेचना है किसी को तो आप दिखाएंगे ये देखो भैया ये डैमेज करती है खरीदना तो बताओ, और वो उसमें पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, आप आगे किसी को नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते, मगर डेफिनेटली ये सब किया होगा। अभी हमें पब्लिक को जो है सिर्फ इतना देखने को मिल रहा है, बट ट्रू फुटेज मेरे ख्याल से इतने बायर्स हैं उन्होंने तो डेफिनेटली देखी होगी। नहीं मेरे को ये भी लग रहा है कि भैया सिक्योरिटी पर्पस, भैया ये हमारी सीक्रेट्स हैं, यही लड़ाई में हमने यूज करना है, अगर यही खुलेआम हम दिखा दें तो फिर जो एनिमीज है वो और अलर्ट हो जाएंगी। नहीं अभी बाकी एनिमीज क्या दिखा रही है, जब वो अपनी टेस्टिंग करती है वो नहीं दिखा, ब्रह्मोस जो है उसके स्पेसिफिकेशन तो अवेलेबल है, तो बाकी भी अवेलेबल जो वो बाकी कंट्रीज करती है वैसे उतना ही करो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब ये भी है कि आपको ऐसा दिखाना चाहिए, मुझे तो ये लगता है क्योंकि स्पेक्स आपने दिखा रहे स्पेसिफिकेशन दिखा रखे हैं कितने किलोमीटर उड़ती है यहाँ से उड़ती है, इसमें इंटरनल आप बता नहीं रहे, आपसे दिखा रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन बड़ी मेजर होगी और ये देखिए डिस्ट्रक्शन हुई है। अब जब डिस्ट्रक्शन हो रही है किसको पता कि वो ब्रह्मोस ही है, नेट रिजल्ट है, किसी ने तो डिस्ट्रक्शन देखनी थी कि हमारे पास इसका मतलब कोई ऐसा वेपन है जो इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, हमने आपको बोला ब्रह्मोस है मगर वो और भी कुछ और हो सकता है हमारे पास, होता ब्रह्मोस का अंकल भी उसका हमें नहीं पता, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज के पास नॉर्मली ऐसी कुछ चीजें होती है जिसके बारे में किसी को नहीं बताते, वॉर होगी वेपन जाएगा तहस नहस करेगा तब पता लगेगा ओ इनके पास ये भी था, बिल्कुल वो तो है, जैसे वर्ल्ड वॉर टू में हुआ था किसको क्या पता था कि एटम बॉम्ब यूएसए के पास है, वो तो बाद में पूरे वर्ल्ड को पता लगा कि इनके इनके पास वो एटम बॉम्ब भी है, वो तो है। तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नॉर्मल पब्लिक को कभी पता नहीं चलेगा, होपफुली यूज ना करना पड़े, यूज करना पड़ेगा तो पता चलेगा, मगर बेटर तो यही है कि वॉर वगैरह से दूर रहे, क्योंकि वॉर जो सही चीज नहीं है, कंट्री को तबाह कर देती है, सभी कंट्रीज को तबाह करती है, डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों की जान जाती है, अभी जैसे इतनी न्यूज आ रही है पता चल रहा है, तो बेस्ट यही है कि वॉर ना हो। अच्छा वीडियो था, मजेदार था, वो घोल देख के मैं हैरान रह गई थी, मैंने कहा यार चुटकू सा होल है, पर वो चुटकू कैसे होल ने भी इतना मेजर किया कि वो पूरी शिप ही तबाह हो गई, डूब ही गई, पर बहुत अच्छा था, दिस वाज फैंटास्टिक कि भैया कहीं से भी आप मार सकते हो, ऊपर से नीचे से लैंड से पानी से, अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।